Are you all my brothers?
जिला अध्यक्ष जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट कठुआ। आज हमें जो हमारी कमेटी को आज सुबह ही पता चला कि हमारे सेक्रेटेरिएट में डीसी ऑफिस के सामने एक जो महेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति जो जम्मू नानक नगर में रहते हैं, वो जहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो हमारे जो राज्य अध्यक्ष गुरदेव सिंह जम्मू से उन्होंने फ़ोन किया, तो मैं जहाँ सेक्रेटेरिएट में आया तो वो 3 दिन से यहाँ से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो उनसे बातचीत करने के बाद हम जो तहसीलदार कठुआ है उनके पास हमारा जो डेपुटेशन था शरणार्थी एक्शन कमेटी का, वो तहसीलदार विक्रम शर्मा जो उनके पास हमारा डेपुटेशन गया, तो उन्होंने सारा जो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड था वो उन्होंने आश्वासन दिया कि विद इन 3 या 4 डेज वो अपना जो है सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो ये महेंद्र सिंह इनके पिता का नाम दर्शन सिंह है, तो ये अलाटी है 1947 जो जब जम्मू पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, तो हेड ऑफ दी फैमिली दर्शन सिंह है, तो उनका सारा रिकॉर्ड चेक करके 1 हफ्ते का टाइम दिया है। जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी जो ज़मीन अलाट हुई है वो किन परिस्थितियों में इनके नाम से कैंसिल करके दूसरे किसी को अलाटमेंट की गई है, और बाकी बची हुई ज़मीन जो है इनको 71 कनाल ज़मीन अलाट हुई है, 3 गांव हैं चक गोटा लखनपुर जगतपुर और एक चक गुसाई, 3 जगह पे अलाट हुई है। तो एज पर रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कुछ इनकी ज़मीन कैंसिल हुई है, वो कैंसिल किस आधार पे कैंसिल की गई है, तो हमने तहसीलदार साहब से बात की है कि हमें रिकॉर्ड बताया जाए वो किस आधार पे वो ज़मीन कैंसिल की है, किसी दूसरे के नाम की है, क्योंकि एज पर 578C ऑफ 1954 इसके तहत रिफ्यूजी को अलाटमेंट हुई है, वो ज़मीन पे किसी और दूसरे का पोजेशन भी नहीं हो सकता, ना ही किसी दूसरे को अलाटमेंट हो सकती है। तो तहसीलदार साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया हमें, 1 हफ्ते के बाद इसलिए वो जो अपना महेंद्र सिंह भूख हड़ताल पे बैठे थे उनको जूस पिला के हमने उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करा के उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ में भेजा है चेकअप करवाने के लिए। अगर 1 हफ्ते में तहसीलदार साहब नाल मिले तो कहते कि मैं 3-4 दिन तो मैं सारा स्टडी कर रहे हैं, तो उस तो इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मंगया साढ़े को, 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं ऑलरेडी मेरी डीसी साहब नाल डिस्कशन चल रही है, तो मैं हफ्ते के अंदर अंदर जिहड़ा भी सारे जो मैनू अंडर ला जिहड़े कानूनी जिले भी मैनू लैटर आए थे मैं उसके तहत मैं उन्होंने पूरी मदद कराया, और आज तहसीलदार साहब ने उन्होंने जूस पिला के एक आश्वासन दिता, और साड़ी जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और फौजिया जोड़े भी मैंबर जोड़े आए थे कि असी पूरी असी जिन्नी भी मदद हुई असं कर सकते हैं, असी तहसीलदार साहब का भी थैंक्स करते हैं, और इसनों जूस पिला के जरा कि इन्होंने अजय उठाया, तो असी कहा कि अगर हफ्ते बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो असं कोई भी थोड़े ना हेल्प करा, लेकिन सानू उम्मीद है कि तहसीलदार साहब जो कि जल्दी ही समाधान करेंगे। वाहेगुरू का खालसा वाहेगुरू का फतेह। इनका इशू जो था सरदार जी का, वो इशू था रिफ्यूजी अलाटमेंट का इशू है इनका लैंड को लेके। मेरे पास 3 दिन पहले जो है वो इनकी प्रॉपर जो कंप्लेंट इनके PRO साहब से लेटर आई हुई थी उस पर हम इंक्वायर कर रहे हैं। ब्रदर ऑलरेडी रिपोर्ट्स जो इनकी डिमार्केशन वगैरह निशानदेही की थी वो चली गई हैं हमारे यहाँ से करके, बाकी जो इनके इश्यूज़ हैं वो इशू सारे स्टडी किए जा रहे हैं, तो प्रॉपर जो भी फाइनलाइज रिपोर्ट होगी तो करके हम यहाँ से सबमिट करवा देंगे। तो भी क्या आश्वासन जो इनको दिया गया? कम से कम टाइम में जो इनका इशू है वो एड्रेस करेंगे, तो यही है। थैंक यू।